आज क्या सवाल है स्वाति के लिए? सवाल है, हमने पेटीएम ले रखा है 1370 की बाइंग है, 45 शेयर, तो इसके बारे में जानना था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है। ये क्यों लिया था? ये आईपीओ के प्राइस से बहुत नीचे आ गया था तो आपने सोचा ले लिया जाए, अब तो 40-50 टका उड़ गया है, इसीलिए लिया था। हमारे पास क्वायरी आई थी 2000 तक का जाएगा, तो इसके बारे में पता करना था। 2000 तक जाएगा, ये कहाँ से आई आपके पास क्वेरी? ये क्या कहते हैं, 2000 तक वापस जाएगा? हाँ जी, लेकिन ये गया नहीं, ये नीचे आ गया है और हमने ले लिया और उसके बाद और गिर गया है ना। पहले तो 3 डिजिट तक चला गया था, 1000 तक के नीचे भी स्लिप हो गया था। चलो अब तो फिर भी 1070-1060 के आसपास है भाई। स्वाति, इसके ज्यादा चार्ट तो होंगे नहीं क्योंकि ये मिड नवंबर की लिस्टिंग है मेरे ख्याल से, और अब तो खैर इसको बताने की जरूरत है नहीं लिस्टिंग के बाद क्या हुआ था स्टॉक के साथ। अब ये 2 महीने के चार्ट काफी है क्या आपके लिए कुछ गौज करने के लिए? इनकी बाइंग है 1370 की 197 कम्युनिकेशन में। करेक्ट आशीष जी, ये नवंबर में लिस्टिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 17-18 नवंबर को लिस्ट हुआ था ये पर्टिकुलर काउंटर। डेफिनेटली चार्ट्स काफी कम है अपने लॉन्ग टर्म होराइजन देने के लिए, क्योंकि टेक्निकली कोई सेटअप बना नहीं है कि मैं जिस हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म के लिए काफी बेरिश पैटर्न, ऐसे कुछ हम लोग बोल नहीं सकते। बट डेफिनेटली जिस हिसाब से उसने परफॉर्मेंस दी है लिस्टिंग के बाद काफी अच्छी नहीं रही है। कंटिन्यूस हम लोग ने सेलिंग प्रेशर देखा है ये पर्टिकुलर स्टॉक में। 1000 रुपीज का मैं बोल सकते हैं कि इमीडिएट अभी सपोर्ट लेवल है, अगर वो भी ब्रेक डाउन कर देता है वापस तो हम ये काउंटर 3 डिजिट में जा सकते हैं। अगर वो लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए रखना चाहते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 सालों तक का भी अपना व्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बनिए रहना चाहिए और नीचे हो सके तो अब एवरेज आउट कर सकते हो। ऊपर में टेक्निकली मैं कहना चाहूंगी कि एक बार 1200 के लेवल ब्रेक कर देगा तो ही कुछ एक टर्न अराउंड हम देख सकते हैं, टेक्निकली प्योरली बता रही हूँ। तो 1200 के लेवल तोड़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि 1400-1500 के लेवल समय एक वहां तक पुलबैक रैली देखने मिल सकती है। तो मेरी व्यू यही रहेगी कि इतना थोड़ा देर वेट किया है एंड लॉन्ग टर्म होराइजन आप रखते हो व्यू, तो डेफिनेटली आप होल्ड करना कर सकते हो। अगर तो कोई भी डीप आता है तो हम एवरेज डाउन करेगा, और मेरी यही रिक्वेस्ट होगी एक बार फंडामेंटल व्यू का भी सजेशन ले लीजिएगा और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। पूजा मैम, ये स्टार्टअप्स हैं,